असल अभिबुआ आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी यूजफुल टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी प्री रमदान प्रेपरेशन और आप लोगों को बताऊँ कि क्या आप अपना काम किस तरह से Uh, मिनिमाइज कर सकते हैं रमजान के लिए सब कुछ आपने पहले से बना के किस तरह से रखना है और किस तरह से स्टोर करना है तार के लिए बहुत ही यूनिक बेकरी स्टाइल में चिकन समोसा पैटीज की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एम श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी आपने बस बना के तो इनको फ्रीज कर देना है पूरा रमज़ान आपका बहुत सकून से गुजरेगा वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन आप बिल्कुल स्किप मत करना आप इन ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं तो चले ब्लॉग स्टार्ट करते हैं वेलकम बैक एवरी वन सो यहाँ पर ना अभी अभी मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मैं बहुत वेट कर रही थी इसका तो अभी आया तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना आप लोगों को ये दिखाती थी और इसके बाद जो है ना अपने काम शुरू करोगी तो इसके अंदर है जी ये देखिए टैरी प्लेग न्यू यॉर्क का बैग और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस बैग के लिए मैं बहुत टाइम से सो सोच रही थी कोई अच्छा सा लग्जरी ब्रांड का कोई डिज़ाइनर बैग ले लेती हूँ तो लेकिन क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता फिर मुझे मिला टैरी प्लेग न्यू यॉर्क बैग इनकी जो प्राइस है ना बहुत अफोर्डेबल हैं कि इनको हर कोई अफोर्ड कर सकता है ईज़ीली ले सकता है सबसे पहले इनकी पैकिंग दिख लेते हैं कि इनकी पैकिंग कितनी अच्छी हुई है कि आपको बैग इस तरह से नहीं दिया जाता कि आपको ऐसे ही हैंड ओवर दे नहीं इनको आप जब भी अगर आप परचेज करते हैं ख़रीदेंगे तो ये पूरी तरह से अच्छे से पैक हुआ होगा और बॉक्स के अंदर आएगा इनका जो अपना ब्रांड है प्लेक का बॉक्स जो है ना वो उसमें आएगा तो इनका जो लेदर है ना बहुत अच्छा है इसकी जो फ्रेगनेंस है ना उसी से पता चल रहा था ये रियल लेदर है जहाँ स्टाइल और एलिगेंस की बात आती है तो ये बैग बहुत ट्रेंडिंग है अगर आप इसको अपनी ड्रेसेस के साथ कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा है इस बैग की मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं वो ये है कि इसको ओपन और क्लोज करना बहुत ईजी इस है इसके साइड पर दो स्ट्रैप्स लगे हैं जिनको आपने इस तरह से इसमें हुक्स के अंदर डालना है उसको बाद में ऐसे ओपन करके अपने बैग को ओपन कर लेना है तो बैग के अंदर अलग अलग से एक स्ट्रैप है जिसको आप शोल्डर हैंग करना चाहते हैं और शोल्डर हैंग भी कर सकते हैं अच्छा अलग से की और साथ में लॉक था जो कि सिर्फ डिजाइन के लिए है तो वो मैं आपको बाद में लगा के दिखाऊंगी बैग के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ इसकी तो ये काफी ज्यादा पेपर्स पड़े हुए थे इनको मैं बाहर निकालती हूँ इस बैग के अंदर ना काफी ज्यादा कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं इसके अंदर स्पेस काफी ज्यादा आप काफी चीजें इसमें रख सकते हैं अपना वॉलेट रख सकते हैं आपका मोबाइल भी ईजिली इसमें आ जाएगा और इसके अंदर जो है ना टू कंपार्टमेंट्स हैं टू पॉकेट्स हैं एक विद सिप है और एक विदाउट सिप है। आपने क्रेडिट कार्ड्स भी इसके अंदर रख सकते हैं अपने वॉलेट्स रख की जो मतलब जितने भी आपके कार्ड्स यूज़ होते हैं वो रख सकते हैं इसके बैग पर भी एक ही जिप है इसके अंदर छोटी सी पॉकेट बनी हुई है अच्छा तो ये है ना ये बहुत कैरी करने में भी बहुत लाइट वेट है इसका कलर बहुत अच्छा था और इसका लेदर इतना सॉफ्ट है ये जो लॉक और चेन है साथ में मैं इसको यहाँ पर लगा रही बहुत इजीली है इसको लगाना इसका लगाने के बाद बैग जो है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है टैडी ब्ले की वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ आपने यहाँ पर जाना है इस क्लिक करके इस तरह भी आपके सामने ये सारे बैग्स ओपन हो जाएंगे और आप इनके प्राइस भी चेक कर सकते हैं बहुत अच्छी और बहुत रिजनेबल प्राइस हैं मैंने ये ऑर्डर किया था एवर गोल्ड लाइट बीच कलर जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा था तो ये है फोर सिक्सटी फाइव डॉलर्स का जो कि पहले काफ़ी एक्सपेंसिव uh, था लेकिन उन्होंने uh, इसको कम प्राइस पे लगाया हुआ है तो ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था तो ये अगर आप भी चाहते हैं डिज़ाइनर बैग लेना बहुत अफोर्डेबल प्राइस में तो आपने बस तारे ब्लैक की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से जाके अपना बैग को ऑर्डर कर लें कलेक्शन बहुत ज़्यादा है बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैग इनके पास अवेलेबल हैं और बैग्स की वैराइटी भी काफ़ी ज़्यादा है तो सब बैग्स ही बहुत अच्छे हैं देखने में सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आपको जो अच्छा लगे आप वो ऑर्डर अच्छा कर लें तो आप ही अपना डिज़ाइनर बैग ले सकते हैं मेरी तरह जैसे मैंने लिया है और ये देखा कैरी किया हुआ कितना अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ख़रीदें अभी मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी थोड़ी सी मैंने रमज़ान के लिए शॉपिंग की थी कल मैं गई थी बाहर तो मुझे ना कुछ रॉस से और को होम से चीज़ें अच्छी लगी थी ये मैं आई थी, थी अपने बाथरूम के लिए न्यू डिस्पेंसर वैसे तो वहाँ पर ठीक ही था लेकिन मुझे ना ये अच्छा लगा थोड़ा तो सा स्टोन्स वाला था तो मैं ले लिया और ये मैंने साथ में लिए थे मयरिंग कप्स और साथ में स्पून और क्योंकि दुआ ने मेरे सारे जो मयरिंग कप्स और स्पून थे ना वो घुमाते हुए थे और मुझे कभी कबार बेकिंग करने के लिए ना यूज़ करने पड़ते हैं इसके अलावा मैंने ये लिए थे अपनी किचन एट की बड़ी वाली जो नाइफ़ है वो क्योंकि इसके साथ चिकन और मटन कट करना बहुत आसान रहता है और काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसको लेने का लेकिन आज मैंने ले लिया किचन ऐट का जो ब्रांड है ना बहुत अच्छा है इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी अप्लाइंस वगैरह सारी किचन की इनकी नाइफ्स बहुत अच्छी हैं और इनके जो ब्लेड्स हैं ना बहुत शार्प होते हैं अच्छा ये साथ में ना मैंने आइस क्यूब ट्रेज़ लिए थे सेट ऑफ़ टू है और साथ में ये सिलिकॉन के हैं तो इसके अंदर ना आप कुछ भी चीज़ को फ्रीज करेंगे स्टोर करेंगे ना तो ईजिली निकल आता है तो ये आज मैं आपको बताऊंगी का कर यूज़ करने का तरीका मैंने ये लिया था फूड स्टोरेज कंटेनर थ्री पीस सेट है और ये बैम्बू फाइबर की हैं तो ये बहुत अच्छे थे रमज़ान में आपको पता है सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ्तारियों तो खासतौर पर ओवर रहते होते हैं जैसे बच्चों दही भरा चाट और साथ में फ्रूट चाट वगैरह तो मैंने कहा ये भले ही ना कंटेनर्स ले लेती हूँ और ये बी पी ए फ्री भी हैं और बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिले फाइव डॉलर नाइनटी नाइन सेंस के मुझे ये मिले और एक ये लिया था ग्रेनाइट नाइट पैन क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी और रमज़ान में शामी कबाब वगैरह एग वग़ैरह फ्राई करने के लिए तो ये काफ़ी अच्छे और आपके बहुत यूज़फुल होता है ये बहुत अच्छा बना हुआ था मुझे ये मिल गया था फोटी फिफ्टी uh, का काफ़ी रिज़नेबल प्राइस पर और ये मुझे रॉस से मिला था तो मैंने कहा रमज़ान मेरा सुकून से गुजर जाएगा इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बन जाएंगी और मैंने न्यू डाइनिंग टेबल लिया था तो उसके लिए मुझे प्लेस मैच चाहिए थे।, थे तो वो मैं लेके आई थी ये मुझे होम होमसन से मिले हैं सेम वैसे कलर के जो मेरे चेयर्स का कलर है ग्रे ग्रे कलर आई थिंक बीच कलर तो उसके लिए मुझे ये चाहिए थे तो ये आ, एट पीसेज हैं क्योंकि एट चेयर्स हैं तो उसके लिए मैं एट सेट एट पीस सेट लेके आई थी और ये देखें इतने अच्छे लग रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ग्राउंड वाले आजकल बहुत चल रहे हैं तो मैं यही वाले लेके आई थी तो चलें जी अब अपना रमज़ान की प्रपेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है ना मैं मिंट वॉश कर रही हूँ कल मैं मिंट लेकर आई थी कल ये सारी मैंने ग्रॉसरी वगैरह की थी तो उसको ला मैंने फ्रिज में रखा है ना तो वो रात में ना सारे फ्रीज हो गए हैं तो उनमें से कितने सारे जो पत्ते हैं ना इसके ख़राब हो गए थे तो मैंने कितने निकाले अभी भी बीच में थोड़े से रह गए हैं तो सबसे पहले जो है ना मैं इनको वॉश करूँगी और इनको जो है ना सेव करूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इनको ना आप किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं आज मैं आप लोगों को बताऊँगी जो है है ना में में इफ्तारी बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत शौक से पीती ये लेकिन इसको फ्रीज़ करने से होकर इनका जो कलर है ना वो खराब हो जाता है क्योंकि ये विंटर में और ज्यादा जो ठंडी जगह है ना सरवाइव नहीं करते हैं तो लेकिन आपने करना ये है कि आइस क्यूब ट्रे ले लेना है उसके अंदर आपने मिंट को ना काफ़ी ज़्यादा मैंने जो बड़े के ट्रे लिए हैं तो उसमें हमने इसको लगा देना इस और पूरा जो आइस क्यूब है ना आपने इस तरह से फुल कर लेनी है अपनी ये जो मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ड्रिंक्स बनाने में अगर आपने लेमनेट बनाना है या इसके अलावा आप मेन ड्रिंक वैसे ही पीना चाहते हैं पानी में इसको डाल के आपको मीट अच्छा लगता है उसका टेस्ट फ्लेवर अच्छा लगता है इसके अलावा आप और इसके अलावा आप इसका कॉकटेल भी बनाना चाहें तो बहुत ईजिली बन जाएगा और मिंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा उसके बाद आपने ये करना है कि इसको फिल करने के बाद आपने फ्रेश वाटर इसमें डालना है तो मेरे पास फ़िल्टर वाटर है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ टैप वाटर आप बिल्कुल ना यूज़ करें फिल्टर वाटर इसमें डाल के तो रखें साफ़ पानी का इस्तेमाल आपने करना है तो वो आपने इसको ना पूरा अपनी ट्रे को जो है फिल कर लेना है इस तरीके से और जब ये आपकी ट्रेस पूरी फुल हो जाएंगी तो इसको आपने बस फ्रीज़ कर देना है फ्रीज फ्रीजर में आपने स्पेस बना लेनी है और उसके अंदर आपने अपनी ट्रेस को रख देना है और बिल्कुल भी ना ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी ट्रेस तो मैं सारा पानी जो है ना बाहर आ जाएगा दूसरी चीज़ जो है ना मिंट बाकी काफ़ी ज़्यादा बच गया था तो मैंने सोचा इसका जो है ना चटनी बना के रख लेते हैं तो चटनी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक बड़ी मिर्च कट कर ली थी ग्रीन चिली और साथ में एक टमाटो कट कर लिया था और एक बड़ा प्याज कट कर लिया था और ये जो पुदीना जो लेफ़्ट ओवर था उसको मैंने एक जग के जो मेरा जो ब्लेंडर है ना उसमें मैं बड़ा वाला जग यूज़ कर रही हूँ ताकि एक ही बार में सारा जो है ना ये ब्लेंड हो जाए तो एक जग के अंदर मैंने सारा पुदीना डाल दिया था और साथ में धनिया एक पूरा जो बंच था धनिया का वो मैंने वॉश करके इसमें डाल दिया है सारी जो वेजेज़ हमने कट की थी वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे स्पाइसेस में आपके पास वो ऑप्शन है आप जिस तरह के स्पाइसेस पे डालना चले कि मैंने इसमें डाले थे जीरा डाला था जीरा पाउडर डाला था ज़ीरा हरी जो उसके सीड्स हैं वो डाले थे जीरा पाउडर डाला था गर्म मसाला डाला था और सॉल्ट डाल दिया था नमक अब वो भी हज ज़रूरत जितना आपको चाहिए उतना डाल के तो इसको आपने जो है ना ब्लैंड कर लेना पानी बहुत कम आपने इस्तेमाल करना है ब्लैंड करने के लिए टू टेबल स्पून या थ्री टेबल स्पून आपने पानी डालना है कोशिश करें कि जितना ही थिक हो सकता है ना उतना तो थिक आपने रखना है क्योंकि अगर जब आप इसको फ्रीज भी करेंगे ना तो फ्रीज़ करने के बाद ये बहुत ज़्यादा ना इस पर पानी आ जाएगा तो आपने कोशिश करना है कि इसको बहुत थिक रखना है तो कम से कम पानी यूज़ करना है आइस क्यूब ट्रे ली तो मैंने उसके अंदर सारा जो है ना पुना की चटनी जो है ना वो डाल दी थी मेरे से आइस क्यूब ट्रे टूट गया था क्योंकि नया ही लेकर आई थी और इसको ना मैं निकालते निकालते ना एक साइड से वो टूट गया मुझसे तो बहरहाल मैंने कहा इसको अब यूज़ कर लेते हैं उसके बाद फिर जो है ना Uh, दोबारा तो इतना यूज़ होना ही नहीं है फिर अगर चाहिए होगा दोबारा नहीं लेंगे बाकी थोड़ी बहुत जो लेफ्ट ओवर थी ना तो मैंने छोटे से बॉल में निकाल के रख दी थी उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी जो थोड़ा सा रह गया था बाकी जो है ना उसको मैं फ्रीज कर दूँगी चने रात को ना मैंने भिगो के रखते हुए थे सारे अच्छे से सोख हो गए हुए थे काफ़ी ज़्यादा चने थे वाइट चने मैंने लिए थे रमज़ान में सबसे ज़्यादा आपको पता चने यूज़ होते हैं चना चाट में इसके अलावा आपको चने का पुलाव खाने का भी दिल करता है और इसके अलावा आप चने की कोई भी डिश बन जाती है और क्विकली बन जाती है अगर आपने इनको बना कर पहले से बॉयल करके फ्रीज किया हो ना तो आपके लिए इसको कुक करना बहुत आसान रहता है आपका इससे टाइम भी सेव हो जाता है इंस्टेंट पॉट मैंने अपना लिया था चने इस पर डाल दिए पानी डाला और थोड़ा सा नमक डाला ट्वेंटी मिनट्स के लिए मैंने इंस्टेंट पॉट को ऑन कर दिया था इसमें चने बस बॉयल हो जाएंगे हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना उससे ये होगा चने ख़राब हो सकते हैं जब तक चने बॉयल हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख दूँगी रमज़ान में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाए और आपको पता है हर चीज़ में जिंजर गार्लिक यूज़ होता है इसलिए पहले ही सब कुछ ना प्रिपेयर करके रख लेती हूँ तो मेरे लिए पूरा मंथ गुजारना बहुत ईजी हो जाता है इसमें से कुछ जो है ना हम फ्रिज में स्टोर करेंगे और बाकी जो है ना थोड़ा हम फ्रीज़ कर देंगे ताकि जो फ्रिज वाला हमारा ख़त्म हो ना तो फिर हम लोग फ्रीज़र वाला यूज़ कर लें तो इसमें भी मैंने पानी बहुत कम डाला है इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक डालना है ऑलिव ऑयल डालना है और सॉल्ट ऐड करना है सॉल्ट और ऑयल जो है ना इसके प्रिजर्विंग का काम करेगा इसका जो कलर है ना वो ख़राब नहीं होगा पानी कम से कम आपने इसमें डालना है आपने अपनी आइस क्यूब ट्रे को फुल कर लेना है और इसको फ्रीजर के अंदर रख देना है ताकि ये फ्रीज़ हो जाए फिर हमने दोबारा से जो है ना बचा हुआ जिंजर गार्लिक है ना वो डाल के ना उसको भी ब्लेंड कर लेना है इससे भी हमें ऑलिव ऑयल और सॉल्ट डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है मैंने पानी बहुत कम इसमें यूज़ किया है ऑयल के साथ इसको मैंने ब्लेंड किया कंटेनर मेरे पास पड़ा हुआ था इसमें मैंने गार्लिक फ्रीज़ किया हुआ था तो इसको मैंने वॉश कर लिया था लेकिन जब भी आपने इसे जिंजर गार्लिक जिस भी कंटेनर में डालना है ना उसको अच्छे से आपने ड्राई करना है इसमें कहीं भी पानी नहीं होना चाहिए वरना जिंजर गार्लिक ख़राब हो सकता है तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था तो ये मेरा जो है ना कंटेनर ये मैं फ्रिज में रख दूँगी तो ये रेडी हो गया पूरा रमज़ान मेरा इसमें गुजर जाएगा बाकी अगर जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं फ्रीज़र वाला यूज़ कर लूँगी यहाँ पर चॉपर यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर गार्लिक सिर्फ गार्लिक जो लहसन है ना उसको मैं चॉप कर लूँगी आपको पता कुछ ऐसी डिशेज़ होती हैं जिसमें जिंजर गार्लिक साथ में यूज़ नहीं होता ओनली आपको गार्लिक यूज़ करना पड़ता है तो जो चॉप वाला है ना वो अच्छा लगता है तो मैं इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा गार्लिक मैंने डाल के इसको चॉप कर लिया था इसमें भी मैंने ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था एक कंटेनर छोटा सा मैंने लिया उसके अंदर इसको मैं फुल करके तो दूंगी। तो ये दो कंटेनर्स मेरे हो गए हैं रेडी एक चॉप गार्लिक और एक जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो इनको मैं रख दूंगी अब फ्रिज में अच्छा तो यहाँ पर जो है ना चने अच्छे से बॉयल हो गए थे तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया हाफ बॉयल किया इनको हमने ठंडे पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हम इनको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं बिल्कुल गर्म जो है ना हम इनको पैक नहीं करेंगे वरना ये ख़राब हो जाएंगे जब तक कि वो चने ठंडे हो रहे हैं तो यहाँ पर ना मैं स्ट्रॉबेरीज़ को ना वॉश करके तो उनको फ्रीज कर दूँगी एक बॉल में मैंने पानी ले लिया था उसमें विनेगर ऐड किया थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था अच्छे से जो है ना हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज को वॉश कर लेना है इससे इतना स्ट्रॉबेरीज का कलर ख़राब नहीं होगा और काफ़ी देर तक जो है ना ये सेफ़ रहेंगी और ये स्ट्रॉबेरीज ना बहुत स्वीट है और मैं ना रमज़ान में मुझे इसका ड्रिंक बहुत अच्छा लगता है लास्ट ईयर भी मैंने रमज़ान में आपके साथ इसका ड्रिंक शेयर किया था तो इस बार मैं फिर से शेयर करूँगी बाकी जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करी रमज़ान में मैं आपके साथ सारी जो है ना उनको बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर लिया था और सिर्फ लोग बैकबिन को डाल दिया था तो ये एक ड्रिंक के लिए हमारा जो फ्रूट्स है ना वो भी रेडी हैं तो इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी और ये काफ़ी देर तक फ्रीज रहेंगी ये ख़राब नहीं होंगी यहाँ पर चने भी अच्छे से ठंडे हो चुके थे तो इनको जो है ना मैं जिप लॉक बैग में डाल दूँगी अब ये चने जो है ना ये ख़राब नहीं होंगे आप इनको तीन महीने चार महीने यूज़ कर सकते हैं ईजीलिए ये ख़राब नहीं होंगे और इससे ये होगा आपका फ़ायदा कि आपने जब भी चना चाट वगैरह कुछ भी बनाना होगा तो आपने बस उनको फ्रीज फ्रीजर से निकाल के उनको डीप फ्रोस्ट करना है और उनके आपने जिस जिस डिश में भी आपने इसको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं अगर आप इफ्तार पार्टीज़ भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका टाइम भी इसमें सेव हो जाएगा तो ये जो है ना दो जिप लॉक बैग्स मेरे रेडी हो गए थे तो आज की जो रेसिपी है जो रमज़ान के अफार के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन समोसा पैटीज़ की रेसिपी बिल्कुल बेकरी स्टाइल के ये बनेंगे आप इसको ज़रूर ट्राई करना और आप खुद कहेंगे कि ये वाकई बहुत अच्छे बने ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और इसकी जो शीट्स है ना वो भी मैं आपको बताऊँगी ईजिल अफोर्डेबल है आपको कहीं से भी वो मिल जाएंगी अच्छा सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल लिया था बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना आपने इससे पहले आपने ये करना है थोड़े से ऑयल के अंदर लहसन का पेस्ट शामिल करना है उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है फिर आपने एक बड़ा प्याज लेना है उसको चॉप करके डाल देना अच्छे से फ्राई करने के बाद जब प्याज का थोड़ा कलर चेंज होगा हमने इसमें ग्रीन चिलीज डाल देनी चॉप करके ज़्यादा स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ ना बड़ी बड़ी जो ग्रीन चिलीज़ होती है ना वो कम स्पाइसीज़ वाली होती हैं जो छोटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं अच्छा इसमें जो है ना हमने चिकन लिया था चिकन ब्रेस्ट को श्रेड कर लिया था बॉयल करने के बाद पहले इसको बॉइल करना को श्रेड करके ना तो हमने इसमें डाल दिया था अच्छा इसमें आपने ना चिकन कनोर क्यूब डाल देनी है दो डाली थी मैंने अगर बस चिकन पाउडर है ना तो आप चिकन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं आप कहेंगे कि तो बिल्कुल ड्राई है इसमें जो है ना चिकन क्यूब्स कैसे मेल्ट होंगे तो जब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे वन टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया था टू टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर का डाला है अगर आपने इसमें और ब्लैक पेपर ऐड करना हो तो कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ ही इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा और वन टेबल स्पून के इसमें मैंने ऑल पर्पज़ फ्लॉक डाल दिया था और इसके बाद मैंने एक कप मिल्क ऐड किया है क्योंकि इससे ये होगा कि इसकी बाइंडिंग ज़रा अच्छी हो जाएगी चिकन जब आप इसकी फिलिंग करेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा और इसकी बाइंडिंग की वजह से इसमें थिकनेस जो आएगी ना तो आपके जो पैटिस है ना वो बिल्कुल नहीं फटेंगे तो ये देखिए चिकन थिक हो गया है इसको मैं थोड़ा सा ना ठंडा होने के लिए साइड पे रख रही हूँ डॉन के पराठे आपको कहीं से भी मिल जाएंगे काफ़ी लोगों को शिकायत होती है यार हमें तो पैटिस की शीट्स नहीं मिलती हैं तो अगर आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं इस रमजान आप ये यूज़ करके देखें डॉन के पराठे और आप ख़ुद सोच कहेंगे कि यार इससे अच्छे पैटिस किसी के भी नहीं बने अच्छा इन पराठों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप पैटिस की जो शीट्स लेते हैं ना वो बहुत ईजीली हैंडल हो जाती है लेकिन डॉन के पराठे नहीं उतने अच्छे हैंडल होते हैं लेकिन आपने करना यह किया कि सारी जो शीटें हैं ना आपने निकाल के इकट्ठे यूज़ नहीं कर लेनी इनमें से आपने करना ही है है कि दो शीट्स लेनी है और पहले तो आपने जो पैकेट है ना निकाल के उनको फ्रिज में रख लेना है ठीक है उसमें से आपने एक एक शीट करके निकालते जाना है उनको थोड़ा सा आपने डीप करना है और अगर, अगर फिर भी आपसे हैंडल ना हो ना तो आपने साथ में ऑल पर्पज फ्लोर जो हमारा रेगुलर फ्लॉर है ना उसको यूज़ कर लेना है तो इसमें जो है ना हमने हाफ सेंटर से उसको कट कर लेना है एक साइड से हमने इसको फोल्ड करके थोड़ा सा एग का मिक्सचर लगाना है अगर आप एग नहीं यूज़ करना चाहते तो आप फ्लॉर का जो मिक्सचर है वो बना कर यूज़ कर सकते हैं तो आप इस तरह से इसको कौन शेप बना लेनी है और इस इसमें जो है ना चिकन की फिलिंग कर देनी है चारों तरफ पे आपने इस तरह से फेसे एग लगाना है और इसको आपने क्लोज कर देना इस तरह से जो है ना समोसे आपके देखिए बेहतरीन समोसे जो है ना ये बने और ये खाने में भी बहुत मजे के लगेंगे और इनको बनाने का जो तरीका है ना एयर फ्राई करने का बेक करने का या फ्राई करना है आपने खाली तो वो मैं आपको रमज़ान में भी इसके साथ शेयर करूँगी अच्छा ये ट्रे जो है ना ये इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्लाड लगा दिया था ताकि साथ में न, बिल्कुल ना बिल्कुल स्टिक ना हो तो उनके ऊपर मैंने समोसे रखती जा रही थी कोशिश करें कि जब एक समोसा आप रेडी करते हैं ना उसको साथ साथ आप ना फ्रीज़र में रखते जाएँ फ्रीज़र में एक बड़ी ट्रे जो है ना आप पहले से रख छोड़ें तो साथ ही साथ इसको फ्रीज़र में रखते जाए ताकि जो शीटें साथ में चिपके ना समोसे एक दूसरे के साथ चिपक के ख़राब ना हो जाए क्योंकि स्टिक बहुत जल्दी होते हैं तो बस मैंने आपको ना एक और, एक और बार मैंने कहा ट्रायल दे देती हूँ किस तरह से आपने बनाने हैं तो ये बहुत ईजी है बहुत क्विकली बन जाएंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बस आपने जो है ना चीटों को थोड़ा सा हैंडल करना है लेकिन ये आ, अपने जो आप इफ्तार पार्टीज़ में भी आप सर्व करेंगे ना तो बहुत सबको बहुत पसंद आएंगे इनको बनाने के बाद ना आपको बेकरी जाने की ज़रूरत नहीं है कि बेकरी के पैटिस आपको लेके आने हैं तो आप घर में खुद ही बना सकते हैं एंड आई एम श्योर कि ये सबको बहुत बहुत अच्छे लगे काफ़ी ज़्यादा समोसे बना दिए थे वीडियो में मैंने सिर्फ आपको दो ही बना के दिखाया लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था थोड़े थोड़े करके बनाती जा रही थी और बाकी जितने फ्रीज हो रहे थे ना उनको मैंने इस तरह से पैकेट्स में डाल के ना रख दिया था तो ये इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना Uh, मेरे जिप लॉग बैग्स बन गए थे और मेरे हाल से पंद्रह समोसे या बीस समोसे रेडी हुए थे तो इन चीट्स के साथ ना आपके काफ़ी ज़्यादा समोसे पूरे रमज़ान के लिए बन सकते हैं तो हेल्प आप किसी की हेल्प ले लें कोई आपकी हेल्प कर देगा आपके साथ बना देगा तो क्विकली आप काफ़ी ज़्यादा समोसे बना सकते हैं तो ये हो गया था मैंने साथ पे ना ये थोड़ा सा एक ये जो है ना एयर फ्राई कर लिया था इसके ऊपर ना हमने एग भी लगाना है तो मैंने आपको बताया मैं आपको, आपको रमज़ान में भी दिखाऊंगी तो मैंने ना अभी इसके ऊपर एग नहीं लगाया इसको ऐसे ही एयर फ्राई किया और ये देखें ये कितना क्रिस्पी बना है और ये देखें इतना फ्लफी बना था और ये जितना देखने में अच्छा लग रहा ना खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था तो ये बहुत अच्छे लगे हैं अब ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट पे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है तो चलें अभी जो है ना सारी जो हमने चटनियाँ वगैरह और जिंजर गार्लिक बना के फ्रीज़ किए थे ना उनको अब निकाल देते हैं क्यूब ट्रेस में से और इनको हम लोग जिप लग बैग में डाल के तो साथ ही फ्रीज़ कर देंगे अच्छा मैंने सुबह जब काम स्टार्ट किया था ना तो आठ बजे में शुरू हुई थी और अभी मुझे ना शाम के छः बज रहे हैं और ये देखिए मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ लेकिन एक दिन के अंदर मैंने अपने सारे काम कम्प्लीट कर लिए थे और ये काम जो है ना जो मैंने कम्प्लीट किया ना मेरे लिए रमज़ान में आसानी हो जाएगी क्योंकि मुझे रमज़ान में इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा तो ये जो क्यूब ट्रेस है ना इसके ना नीचे सिलिकॉन लगे आपने बस क्लिक करना तो ये बाहर आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि पहले पानी में रखें फिर ये निकलेंगे नहीं तो से ना बहुत ईजी हो जाता है तो ये देखिए सारे जो जेप लॉग बैग्स हैं मेरे ये रेडी हो गए चिंजा गाली के भी और साथ में मिंट की जो चटनी बनाई थी वो भी हो गया है और ये देखें ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ जो हमने मिट्ट सेव किया था और इसको अभी हमने बस क्लिक करना है नीचे से क्योंकि नीचे इसके भी सिलिकॉन है तो ये निकालेंगे देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये और एक आप क्यूब को यूज़ करेंगे ना तो एक पर्सन के लिए और दो क्यूब यूज़ करेंगे तो आप टू पर्सन के लिए आप ये ड्रिंक बना सकते हैं तो मेरे लिए ना ये रमज़ान में काफ़ी दिनों तक तो है ना यूज़ हो जाएगा इसमें ना मिंट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा उनका कलर फेड नहीं होगा और इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी तो ये तरीका ज़रूर अपना के देखना और बस ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप आपको आज मेरी प्री रमदान प्रपरेशन अच्छी लगी होगी प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कैसी लगी है आपको वीडियो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो इन बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा अल्लाह हाफ़